देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा मंत्री जो बिहार के विजय चौधरी वो भी पहुंच गए, और तस्वीरें देखिए और भी मंत्री आ रहे हैं, आपको दिखा दें कि किस तरीके से सुमित सिंह भी पहुंच गए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से समीक्षा बैठक है आज शराबबंदी कानून को लेकर। सुमित सिंह जो मंत्री है बिहार सरकार में वो भी पहुँच गए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शराबबंदी को लेकर बैठक जिस तरह से भी बैठक हो रही है, बैठक के बाद जो भी बात होगी बातें होंगी आप लोगों से। लगता है कड़ा किया जाएगा, कानून बनाए जाने की आवश्यकता है सुमित जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून कहीं ना कहीं सक्सेस है, तो कहीं ना कहीं वो शराबबंदी कानून फेल दिख रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से नगर निगम के जो कर्मचारी आ गए हैं, शराब की बोतलें हैं, एक अन्य मार्ग ये जगह है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री सचिवालय के बगल की ये तस्वीर है जहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीबी लगा के उठाया जा रहा है, नगर निगम के कर्मचारी उठा रहे हैं कचड़ा को। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से वो कचड़े को उठा रहे हैं, और आपको हम बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में लागू किए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून सक्सेस है, कहीं ना कहीं उनका शराबबंदी कानून फेल दिख रहा है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री सचिवालय के बगल की। आपको बताते चले कि जितने भी सोशल मीडिया पर अभी ये खबर चलाई गई, उसके बाद अभी अभी नगर निगम के कर्मचारी जो आए हैं और जेसीबी लगा के सफाई करने आए हैं, और तस्वीर देखिए शराब की बोतल यहाँ पे मिली है, और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहाँ दावा करते हैं कि शराबबंदी कानून है, और उनके जो सीएम सचिवालय हैं उन उसी के बगल में ही ये शराब का बोतलें मिली है, कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है किसने पिया और किसने फेंका। देखना ये होगा कि कहाँ तक बिहार में शराबबंदी हो रहा है। आपको हम बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, 11 बजे से समीक्षा बैठक होगी, जितने भी बिहार सरकार में मंत्री हैं वो सारे मौजूद रहेंगे, और जितने भी आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं ये सीएम सचिवालय की ये तस्वीर है कि किस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी साफ कर रहे हैं, और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से शराब की बोतलें फेंकी गई है, और देख सकते हैं बहुत सारे शराब की बोतलें मिल रही हैं यहाँ पे, और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इन कचरों में जो है वो पड़ी हुई है। और ये मैराथन मीटिंग निश्चित तौर पर आज कहीं ना कहीं इस मीटिंग में कई बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना है। देखिए नीचे गलत तरीका है यार, एकदम गलत तरीका है, कैसे करते हो यार, कौन इतना गुस्सा में अभी है यार। देखिए मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इन विषयों की समीक्षा करते रहे हैं, और आज भी जो जो समीक्षा का जो मुख्य विषय रहता है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ हम और इसको बेहतर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है, वो पूरा फीडबैक लेने पर उस पर निर्णय किए जाएंगे। विपक्ष का तो उनके नेता भी पलायन करके आ गए हैं, तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है। ठीक है ठीक है, जहरीली शराब से लोग मरे थे क्या है कि बिहार के तरफ को जनता को सरसरी निकाह से बिहार के मुख्यमंत्री जी के निर्देश को पालन लोग करते हैं। अगर जहरीली शराब या अवैध शराब को कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर कानून काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो कानून से बड़ा नहीं होता है, कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री सचिवालय के बगल में शराब की बोतलें मिली है, मुझे लगता है कानून अपना काम कर रही है, जो अगर गलत काम करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। सर सामने शराब की बोतलें हैं, बोतलें बगल में मिली है, बगल में मिली है शराब की बोतलें, जो भी गलत कर रहा है उसके ऊपर कानून कार्रवाई करती है। मीटिंग बैठ रही है, मीटिंग के बगल में शराब की बोतल, बिल्कुल जो भी गलत काम करता है उसके ऊपर कानून कार्रवाई करती है। सर।